हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 13 मई के चुनिंदा करंट अफेयर्स पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, संयुक्त राष्ट्र ने बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत चुना है, यानी विच एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड हैज इलेक्टेड अ यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवे। और 100% मुझे सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन ए, यानी कि दिया मिर्जा। तो इनसे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसी ने जो है अपॉइंट किया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा, जिनको आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है, वो भी विशेष दूत के रूप में। तो इसके साथ साथ जो है 17 अदर सेलिब्रिटी को भी जो है एक स्पेशल वर्क के लिए जो है साइन किया गया है, ठीक है। तो उनमें जो है चाइना के आपके जो है, यानी कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि चाइना के जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके अलावा जैसे कि जैकमा, आपने नाम सुना होगा, जो कि अलीबाबा कंपनी के जो हैं वो चीफ हैं, ठीक है। तो ये लोग भी शामिल हैं इस विशेष कार्य में। तो फिलहाल बता दें कि दीज स्पेशल मैसेंजर्स हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग द मैसेज ऑफ द पेरिस कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो स्पेशल लोग हैं, जिन लोगों को इस एक नए प्रोजेक्ट के लिए जो साइन किया गया है, तो इनका काम होगा, इनकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर प्रमोट करना किस चीज़ को, जो पेरिस समझौता हुआ था ना जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसको, ठीक है, यानी कि जिसको आप जानते हैं SDG के नाम से। फिलहाल दिया मिर्जा वॉज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द UN, ये आप जानते ही होंगे शायद कि दिया मिर्जा जो है वो पहले से भी जो है यूनाइटेड नेशन के साथ में जो है जुड़ी हुई हैं और काम कर रही थी, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है राजदूत के तौर पर जो है, यानी कि गुडविल एम्बेसडर जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जो है काम कर रही थी यूनाइटेड नेशन के जो है जितना भी एनवायरनमेंट प्रोग्राम वहाँ पर चलता है, यानी कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलता है, तो उन कार्यों से ये पहले से जुड़ी हुई हैं। अब बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन आंसर पर। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 का खिताब जीता है? ऑब्वियस इस आंसर से आप लोग परिचित हैं, लेकिन तब भी जो है ये पूछना हमारा फर्ज है कि विच अमंग द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ IPL 2019। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस। इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप मुंबई इंडियंस को चीयर्स करते देख सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस बीट चेन्नई सुपर किंग, यानी कि किसको इसने फाइनल में हराया, चेन्नई सुपर किंग को हराया, वो भी मात्र 1 रन से। पर फिलहाल मैं यहाँ पर आपको केवल खास खास बातें बताऊँगा। तो ये आपका जो मुंबई का था, ये 4th टाइटल था, यानी कि 4th खिताब था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो है 4 खिताब केवल मुंबई ने ही जीते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो है 3 खिताब जीते हैं आपके चेन्नई सुपर किंग ने, यानी कि ये जो चेन्नई सुपर किंग है इसने जीता है टोटल 3, लेकिन मुंबई के अब 4 हो चुके हैं। तो अब बता दें इसका फाइनल कहाँ हुआ था, फाइनल हुआ था आपका हैदराबाद में। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई इंडियंस हैव मैनेज टू विन, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि 4 टाइम्स जो है मुंबई इंडियंस IPL का खिताब जीत चुकी है। तो ये आपका फाइनल कब हुआ, 12 मई को हुआ, यानी कि जो आपका रविवार बीता है उस दिन हुआ। कैप्टेंसी कौन कर रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टेंसी रोहित शर्मा कर रहे थे। और जब चारों बार जैसे कि मुंबई इंडियंस ने जीता है 2013, 2015, 2017 और 2019, चारों ही बार रोहित शर्मा ही कैप्टन थे। इसको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि एक साल छोड़कर जो है मुंबई इंडियंस जीत रही है, 2013 के बाद 15, फिर 17, फिर 19। तो फिलहाल हैदराबाद में ये मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो अब यहाँ पर प्राइज मनी में क्या मिलता है, तो मुंबई जो कि जीती है उसको मिला 20 करोड़, इसके बाद में आपका जो चेन्नई है जो आपका रनर अप रहा है, यानी कि 2nd नंबर पर, उसको मिले 12.5 करोड़। इसके बाद में जो आपका 3rd नंबर पर रहा है, यानी कि आपका दिल्ली, तो उसको मिले 10.5 करोड़। और 4th नंबर पे आपका सनराइजर हैदराबाद था, जिसको जो है 8.75 करोड़ रुपये मिले। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टैटिस्टिक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कितने जो है पूरे सिक्सेस पड़े हैं, और सबसे लंबा सिक्सेस कौन सा था, सबसे तेज बॉल जो है वो किसने डाली है, इसके बाद में जो है हैट्रिक टोटल कितनी हुई है, तो वो हैट्रिक ली किसने हैं, ठीक है, और इसके अलावा टोटल कितने विकेट हुए हैं, कितने 50s हुए हैं। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से एक और खास फैक्ट की ओर। तो यहाँ पर हमने बताया है कि जो अवार्ड होते हैं, जैसे कि जब समापन होता है किसी इस तरह के टूर्नामेंट का, तो उस अवार्ड में क्या किसको मिला है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेविड वार्नर, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा रन मारने के लिए ऑरेंज कैप, इसके बाद में इमरान ताहिर को जो है सबसे ज़्यादा विकेट के लिए पर्पल, फिर जो हाइएस्ट स्कोर बनाने के लिए जॉनी बेस्टो को 114 स्कोर के लिए जो है इनको मिला है, और बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है जोसफ का, जिन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट लिए, या फिर अंडर एसल। इसी तरह जो है यहाँ पर और भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही सेलेक्टिव हैं, यकीन मानिए इसके लिए बहुत ही जो है ढूंढना पड़ा है, जो कि आपको अखबार में भी नहीं मिलेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। फॉल आर्मी वॉर्म एक खतरनाक कीट है, ठीक है, आपको बताना है ये किस चीज़ को प्रभावित करता है निम्नलिखित में से। तो
फॉल आर्मी वॉर्म इज अ डेंजरस पेस्ट विच अफेक्ट किसको कहता है, क्रॉप्स को कहता है, यानी कि ये फसलों को प्रभावित करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक कीट है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कीट की फोटो ये रही आपके सामने, खबर ये है द फॉल आर्मी वॉर्म जिसको नाम दिया गया है स्पोरोडिप्टेरा फ्रुगिपेडा। ठीक है, तो ये आपका एक कीट है। ये अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो है ये आपका इंडिया में मणिपुर स्टेट में पहुंच चुका है। कहां पर, ये आपका ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, वहां पर जो है ये पहुंच चुका है। इससे पहले जो है अर्लियर दिस जो है यही कीट आपका कर्नाटक में भी पहुंचा था और इसने वहां पर फसलों को जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है इसने नुकसान पहुंचाया था। तो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी हैं जे सुरेश बासु, इन्होंने जो है एक इमरजेंसी मीटिंग की फ्राइडे को, जो कि आपका फ्राइडे अभी निकला है, और इसमें डिस्कस किया कि इस सिचुएशन से जो है निपटने के लिए, ठीक है, इस सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए कि क्या किया जा सकता है फिलहाल, क्योंकि मामला बहुत ही सीरियस था। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिलिंग मणिपुर ने ही जो है डिटेक्ट किया है इस कीट के प्रेजेंस को, यानी कि ये कीट आ गया है। इस बात को किसने जो है इसको पुख्ता किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल मणिपुर ने इस बात की पुष्टि की। अब आपको बता दें कि ये जो कीट है ना, ये आपका फसलों को तो ख़राब करता ही है, खासकर ये आपका जो है मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाता है, बट इट कैन ईट, लेकिन इसके अलावा जो है ये 80 तरह के और भी फसलों को जो है ये नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको जो है इतना खतरनाक माना गया है फिलहाल फसल के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इट कैन फ्लाई 100 किलोमीटर्स इन अ वन नाइट, एक रात में 100 किलोमीटर तक जो है ये जा सकता है, और तो और ये एक बार में 900 से लेके 1000 अंडे तक एक बार में दे सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड एरिया। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि ये फैलते कैसे हैं, ये छोटे छोटे से कीट इतना दूर दूर फैलते कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है और जो नॉन इन्फेक्टेड एरिया है, यानी कि जहाँ पर अभी ये नहीं पहुँचे हैं, तो क्योंकि हर तरह की जो है सब्जी का इधर से उधर जो है परिवहन के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है व्यापार होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जब ये सब्जियां जाती हैं तो उन्हीं के साथ में जो है ये कीड़े भी पहुंचते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक जरिया है जिसके जरिए जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। फिलहाल बता दें इसी की वजह से जो है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इन अ डेंजर जो है वो माना जा रहा है, यानी कि जो है वो खाद्य को लेकर जो है खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में मानी जा रही है। फिलहाल दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका का नाम क्या है जिसे हाल ही में जयपुर में लॉन्च किया गया। तो एक पॉइंट तो यहीं क्लियर है कि जयपुर में जो है इस पत्रिका को लॉन्च किया गया है। फिर से सुनिए, महिला क्रिकेट पत्रिका की बात हो रही है जो स्पेशली फॉर वुमन क्रिकेटर होगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुमन क्रिकेट मैगजीन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इन जयपुर। और इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्रिक जोन। उम्मीद है ये नाम याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रिक जोन इसका जो है नाम दिया गया है। तो खबर क्या है, ये दोस्तों वो पहली बुक का जो है कवर है, क्योंकि इसका पहला एडिशन जो है लॉन्च हुआ है, तो ये वो कवर यहाँ पर दिखाया गया है। खबर देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमन क्रिकेट मैगजीन जिसका नाम है क्रिक जोन, ठीक है, वॉज रिलीज हेयर विद इंडियन टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना। तो आप स्मृति मंधाना जो कि आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो है वाइस कैप्टन है, उनको आप यहां पर देख सकते हैं, इन्हीं की जो है मौजूदगी में, ठीक है, इस कवर स्टोरी को जो है लॉन्च किया गया है। फिलहाल दिस मैगजीन इंक्लूड, इस मैगजीन में क्या होगा, अपडेट्स होंगे, आर्टिकल यानी कि लेख होंगे, न्यूज़ यानी कि खबरें होंगी, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा, और जो है रिलेटेड चीज़ें होंगी स्पेशली वुमेन रिलेटेड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, फिलहाल पब्लिशर अब आता है कि पब्लिशर कौन है, तो बता दें पब्लिशर ऑफ द मैगजीन इज यश लाहोटी। ठीक है, तो यश लाहोटी इज द पब्लिशर ऑफ दिस बुक। तो बता दें कि फॉर अस पब्लिशिंग वुमन क्रिक जोन मैगजीन हैज़ बीन नेचुरल प्रोग्रेस इन। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कुल मिलाकर कि यश लाहोटी जो हैं वो इस मैगजीन के, इस पत्रिका के जो हैं वो पब्लिशर हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि वुमन क्रिक जोन मैगजीन जो है ये आपका नेचुरल प्रोग्रेस इन, यानी कि जो है एक तरीके से ये सकारात्मक रवैये को लेकर जो है इस जो है मैगजीन को लॉन्च किया गया है, ताकि इस ओर भी जो है लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जाए और महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल निम्नलिखित में से किसे 2019 मैककेन संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद 2019 मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि छाया शर्मा। तो छाया शर्मा नाम से कुछ लोग परिचित भी होंगे, और अगर नहीं हैं तो अब हो जाएंगे। छाया शर्मा को मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों जो है खास हैं। तो ये एक IPS ऑफिसर हैं,
छाया शर्मा नाम है इनका, इनको जरूर याद रखना। अब आपको बताते हैं ये कौन है। जब दोस्तों निर्भया केस हुआ था, निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, ठीक है, दिल्ली में, इंडिया में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है इन्होंने ही लीड किया था। जी हाँ, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको लीड किया था छाया शर्मा ने। तो ये जो गैंग रेप एंड मर्डर केस था, इसको किसने, इसके इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड किया, छाया शर्मा ने, ठीक है। तो इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है 2019 मैककेन इंस्टीट्यूट अवार्ड से। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, इन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में जो है इस केस को जो है इन्होंने निपटाया था, ठीक है, बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में। तो फिलहाल ड्यूरिंग द हर करियर, यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने अपने करियर में जो है छाया शर्मा हैज़ लीड टीम इन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने जो है क्रिमिनल केसेस, ठीक है, यानी जितना भी आपराधिक केसेस होते हैं आपके, संवेदनशील आपराधिक केसेस और ह्यूमन राइट्स को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर ही इन्होंने जो है हमेशा इन्वेस्टिगेशंस किए हैं अपने करियर में। इसलिए जो है छाया शर्मा जो है इस क्षेत्र की बहुत ही बड़ा नाम है। तो फिलहाल हाउएवर सॉल्विंग निर्भया केस इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट माइलस्टोन, और इनके सारे करियर में जो है निर्भया केस ऐसा केस था जिसने बिगेस्ट माइलस्टोन के रूप में जो है वो काम किया, ठीक है, मील के पत्थर के रूप में इनके करियर में काम किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में उसको जो है सॉर्ट आउट कर दिया था, यानी कि अपराधियों को जो है वो पकड़ लिया था। फिलहाल She has also played a critical role over drafting standard operating procedure and guidelines to combat trafficking of persons in India in 2017. बताया जा रहा है दोस्तों कि इस लाइन में 2017 की बात है, यहाँ पर बताया गया है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों की जो ट्रैफिकिंग होती थी, ठीक है, यानी कि अवैध रूप से जो है उनका इधर से उधर करना, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान करना, वो भी अवैध रूप से, इसको आप ये भी कह सकते हैं, या उनका किडनैपिंग करके इधर से उधर करना, ठीक है, या फिर उनको खरीदना बेचना, तो लोगों की वो भी यहाँ पर बात हो रही है। तो उस मामले में जो है 2017 में जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उसमें जो है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, वो भी जो है इनके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। फिलहाल द अवार्ड इज गिवन टू दोस्त, ये अवार्ड जो है उनको दिया जाता है जिन्होंने जो है करज दिखाया होता है, वो भी किस क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमैनिटेरियन में, ठीक है, कॉम्पेंसेशन में, जस्टिस फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी डिग्निटी में, यानी कि आपका मानवाधिकार, ठीक है, मानवीय करुणा, आपका न्याय, आज़ादी, ठीक है, इन सब बातों को लेकर जो है इन क्षेत्रों में जो भी लोग अच्छी उपलब्धि पाते हैं उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो सम ऑफ द फेमस अवार्डी आर, इसके अलावा बता दें इस अवार्ड से आपका मलाला यूसुफजई और इसके अलावा जो है डिंकेम्बे मुटम्बो को भी जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो बता दें मलाला यूसुफजई को तो आप जानते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं, है ना, पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं और नोबल प्राइज विनर भी रह चुकी हैं। तो इसके अलावा ये कौन है, डिंकेम्बे मुटम्बो, तो ये आपके एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं बहुत ही बड़े लेवल पे, ठीक है, तो इनसे भी आप परिचित हो जाइए इस नाम से। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने विवादित दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास समूह सेल में भाग लिया? तो आपको जो है यहाँ पर पहचानना है वो कौन से देशों का कॉम्बिनेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज ग्रुप सेल इन द डिप्यूटेड साउथ चाइना सी? तो इसको ये आप जानते हैं, ये विवादित क्यों रहता है, क्योंकि जो चीन सागर है उस पर चीन केवल और केवल अपना ही जो है आधिपत्य जमाता है, यानी कि उसका ये कहना है कि पूरी तरह से उसी का जो है उस पर राज है, बल्कि जो और भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनका भी मानना है कि उनका भी जो है उसमें वहाँ पर जो है उनका भी अधिकार है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जापान, फिलीपींस और भारत। तो फोटो देखते हैं एक बार पहले, यहाँ पर आपका ये जो है बताया गया है। फिलहाल द इंडियन नेवी ऑन थर्सडे पार्टिसिपेटेड विद द नेवीज ऑफ, इंडियन नेवी ने किसके सामने पार्टिसिपेट किया, US, ठीक है, फिलीपींस, जापान के साथ में, ठीक है। तो ये इसका जो है पहला ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इस एरिया में, जी हाँ, कि ये तो बहुत से हैं लेकिन साउथ चाइना सी में जो है ये इंडिया का पहला जो है पार्टिसिपेशन है। तो द वेजेस इंक्लूडेड इंडियन डिस्ट्रॉयर, तो ये जो पोत जो इसमें शामिल हुआ है वो आपका इंडिया की तरफ से INS कोलकाता, टैंकर आपका INS शक्ति जो है इसमें पार्टिसिपेट जो है किया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जबकि जापानीज एयरक्राफ्ट का नाम है इजुमो, इसने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, और फिलीपींस की तरफ से जो है आपका पेट्रोल वेजल था एंड्रेस बोनिफेसियो, ठीक है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो फिलहाल आपको बता दें कि इंडियन नेवी स्पोक्स पर्सन, यानी कि इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है कैप्टन DK शर्मा। इन्होंने कहा कि जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जो हुई है, ठीक है, ये इसका केवल केवल मोटिव स्ट्रेंथन पार्टनरशिप था, यानी कि जितने भी लोगों ने इसमें भाग लिया है उनके बीच में जो है मजबूती लाना, उनके बीच में व्यवहार को लेकर जो है मजबूती प्रदान करना ही जो है इसका फोकस था, ठीक है, इसका जो है
यही इसका उद्देश्य था। तो साउथ चाइना सी जिसको आप जानते हैं, ये एक आइसलैंड इन द साउथ चाइना सी में है, ठीक है। फिलहाल ये जो एरिया है, आपको बता दें, ये एरिया खास एक और वजह से है, और वो है यहाँ पर 12% ऑफ ग्लोबल फिशिंग होती है, वो भी वर्ल्ड की 12% जो फिशिंग है वो आपकी साउथ चाइना सी में ही होती है, और आपका 30% जो है यहाँ पर, आपको जो बताया 30% जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है वो भी आपका यहीं से जो है होकर गुजरता है, यानी कि साउथ चाइना सी से जो है आपका वर्ल्ड का 30% जो है ट्रेड होता है, मतलब यहीं से जो है ये जो पोर्ट्स हैं वो आते जाते हैं, यानी कि जो नाविक हैं, जो नाव हैं, जो जहाज़ हैं, वो यहीं से पास होते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी विच डे इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, अभी अभी ये दिन निकला है और ये है आपका 11 मई, ठीक है। तो 11 मई को जो है ये मनाया गया, आपको बता दें ये जो है सैटरडे को ही मनाया जाता है, वो भी मई के जो है दूसरे सैटरडे को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है बताया गया आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2019 के बारे में, तो ये है वो आपका डे का नाम, ये आपका सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, 11 मई को 2019 के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं हंड्रेड्स ऑफ मील्स फॉर माइग्रेशन, ठीक है, यानी कि आपका 100 मील से भी जो है ज़्यादा जो है सफ़र के लिए ये लोग माइग्रेशन करते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि इधर से उधर जाते हैं वो भी आपका 100 माइल्स से भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जो है बर्ड्स लुक फॉर देयर सीजन, अच्छा ये ऐसा करते क्यों हैं, एक इम्पॉर्टेंट, वो इसलिए क्योंकि जब ये जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ का मौसम इनके हिसाब से अनुकूल नहीं रहता है, तब ये वहाँ जाते हैं जहाँ पर इनके हिसाब से जो है मौसम अनुकूल मिल जाए, ठीक है। तो ये इसलिए ताकि यहाँ पर बताया गया है सूटेबल वेदर के लिए जाते हैं, आप जानते हैं वेदर चेंज होता है, तो ये भी अपने हिसाब को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। इसके अलावा वेदर के साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर इनको फूड मिल जाए, फर्टिलिटी यानी कि जो है इनको प्रजनन के लिए जो है इनको वहाँ पर अनुकूल वातावरण मिल जाए, ठीक है, और तो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी वो जगह हो, यानी कि पर्यावरण के भी जो है इनके हिसाब से जो है वो जगह सही हो, वहाँ पे खाना मिल जाए, प्रजनन की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। ऐसे जो है ये सब देखकर ये लोग ऐसे स्थान का चयन करते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मृणाल मुखर्जी, ये नाम जरूर याद रखिए, आपको बताना है किस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका हाल ही में निधन हो चला है। तो मृणाल मुखर्जी वॉज फ्रॉम विच एरिया, आपको बताना है, बिकॉज ही डाइड रिसेंटली, ये किस क्षेत्र से थे, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, या फिर पोइट, या फिर एक्टिंग। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, अभिनय, यानी कि एक्टिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इनको यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। तो फॉर्मर बंगाल एक्टर, ठीक है, तो ये आपका बंगाली एक्टर हैं मृणाल मुखर्जी, इनका नाम है। 74 साल की एज में इनका जो है एक लंबी बीमारी के बाद में इनका निधन हो चला है। तो मुखर्जी हैज डन मोर देन 5 decades, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि 5 दशक से भी ज़्यादा जो है इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। तो ये बहुत ही बड़ा चेहरा है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वर्क्ड इन अ बंगाली सीरियल, इसके अलावा जो है इन्होंने बंगाल में फिल्म ही नहीं सीरियल में भी जो है काम किया है। तो इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर आपको नाम बताए हैं। फिलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे का, आपको बताना है कि अजॉय मेहता को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अजॉय मेहता वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, तो कौन सा दोस्तों वो स्टेट है आपको नाम बताना है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो दोस्तों इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए शुक्रिया।